नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त संजय आज फिर से आप लोगों के साथ में मेरे YouTube चैनल में टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का लेक्चर लेके हाजिर हुआ हूँ। तो इसके अंदर बड़े इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं आज हम। ए ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम दिल्ली एट 4 PM एंड रीच टू मेरठ एट 6 PM। अदर ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम मेरठ टू 4 PM एंड रीच टू दिल्ली एट 7 PM, देन एट विच टाइम बोथ ट्रेन विल मीट। एक ट्रेन दिल्ली से चल करके 4 बजे चलती है और वो मेरठ 6 बजे पहुंचती है। दूसरी ट्रेन मेरठ से 4 बजे चलती है और वो दिल्ली 7 बजे पहुंचती है, तो बताइए वो दोनों ट्रेन किस समय आपस में मिलेंगी। दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें मोस्ट प्रोबेबली आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं या तो ट्रेन सेम टाइम पे चल रही है या ट्रेन डिफरेंट टाइम पे चल रही है। तो ये क्वेश्चन सेम टाइम का, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको डिफरेंट टाइम का करवाऊंगा। इसके अंदर सबसे पहले मैं मान लेता हूं कि ये ट्रेन है, ये दिल्ली, ये मेरठ, दिल्ली टू मेरठ, यहां से ट्रेन स्टार्ट हो रही है। कितने बजे? 4 बजे चलती है, 4 PM पे चल रही है और कितने बजे पहुंच रही है? मेरठ 6 PM, 6 PM पे पहुंच रही है। अब सॉरी, मेरठ से दूसरी ट्रेन 4 बजे चलती है और कितने बजे पहुंच रही है? 7 बजे पहुंच रही है, 7 बजे पहुंच रही है। तो हमें अब क्या निकालना है कि दोनों ट्रेन कहां पर मिलेंगी। मैं मान लेता हूं कि यहां पर मिलेंगी, लेकिन टाइम किस टाइम पे मिलेंगी वो टाइम हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये ट्रेन टाइम निकालते हैं। तो टाइम क्या होगा, ये ट्रेन 4 बजे चलती है, 6 बजे पहुंचती है, कहां से? दिल्ली से, और ये मैं मान लेता हूं मेरठ। दिल्ली से चलती है और कहां पर पहुंचती है? मेरठ पहुंची कितने? 2 घंटे में मान लेता हूँ। और ये मेरठ से चलती है और दिल्ली पहुंच रही है 7 बजे, तो कितने घंटे में पहुंच रही है? 3 बजे। अब मुझे स्पीड निकालनी है। डिस्टेंस इन दोनों के, दिल्ली और मेरठ दोनों के बीच में क्या है? कांस्टेंट है। तो मैंने आप लोगों को एक चीज बताया था, इफ डिस्टेंस इज कांस्टेंट देन स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टाइम, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टाइम। तो किस तरह, अब टाइम 2:3 है तो स्पीड आ जाएगा 3:2। अब मुझे निकालना क्या है, डिस्टेंस निकालना है, डी निकालना है। तो डी का मतलब क्या, टी इंटू एस हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, और ये भी कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अब डिस्टेंस मेरे पास कितने आ गया? 6 आ गया। यहां पर मैं डिस्टेंस ले लेता हूँ, 6 आ गया। तो अब टाइम, मुझे टाइम निकालना है, मुझे टाइम निकालना है। तो डिस्टेंस मेरे पास 6 है तो स्पीड कितना है? 5 है। 3+2 में करता हूं तो कितना हो गया? 5 km/h के हिसाब। तो मैं इसको 5 से डिवाइड कर देता हूं तो यहां पर आ जाएगा कितना? 1 बच गया, 1 आवर, और 1 बचा इंटू 60/5, 12×5=60। तो ये कितना टाइम हो जाएगा? 1 hour 12 minutes, 1 hour 12 minutes ये टाइम आएगा। अब 1 hour 12 minutes के बाद में जब दोनों ट्रेन चलेंगे तो एक दूसरे से मिलेंगी। मान लेते हैं यहां पर 1 hour 12 minutes के बाद में मिलती हैं, तो वो कितने बजे मिलेंगे आपस में? यहां पर देख लेते हैं, 4 बजे चलते हैं तो 1 hour 12 minutes के बाद में यानी कि 5:12 5:12 PM पे वो दोनों ट्रेन क्या करेंगी? यहां पर मिलेंगी, यहां पर दोनों ट्रेन मिलेंगी। अब दोस्तों ये क्या है, आपका डायरेक्टली डायरेक्ट मेथड है। अब ये मेथड है इस, अब दूसरा एक डायरेक्ट मेथड भी इस तरीके से कर सकते हैं हम इसी क्वेश्चन को। अगर हमें सॉल्व करना है तो सबसे पहले अगर कोई भी दो ट्रेन है वो सेम टाइम पे अगर चलती है, तो मैं मान लेता हूं पहली ट्रेन दिल्ली से चल रही है, दूसरी ट्रेन मेरठ से चल रही है, तो ये भी 4 PM पे चल रही है, ये भी 4 PM पे चल रही है।
ये दिल्ली से मेरठ पहुंचने के लिए मैं यहां पर लिख देता हूं, दिल्ली से मेरठ पहुंचने के लिए 2 घंटे ले रही है तो 2 आवर्स, और ये मेरठ से दिल्ली पहुंचने के लिए 3 आवर्स, दोनों का एलसीएम ले लेंगे। ये क्या आता है, एलसीएम 6 आएगा, और ये जो 6 आ रही है किसके बराबर आता है, डिस्टेंस के बराबर, डिस्टेंस के बराबर आता है। अब मैं यहां पर निकालूंगा 3 दूनी 6 3 और ये 2, तो डिस्टेंस 6 है और टाइम कितना आ गया मेरे पास, स्पीड कितना आ गया, 5 आ गया, डिवाइड 5 इक्वल टू 1 और 1 बचा 1/5 इंटू 60, तो 12/5 60, 1 आवर 12 मिनट। और यहां पर कितने बजे चल रही है, वो 4 बजे चल रही है, तो 4 में 1 घंटा 12 मिनट जोड़ेंगे तो कितने बज गए, 5:12 पे वापस में मिलेंगे। तो ये हमारा डायरेक्ट मेथड है, तो ये भी बड़ा आसान है, इस तरीके से भी हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, जल्दी से हमारा आंसर रिट्रीव हो सकता है इस तरीके से। एक ही नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पिछली बार मैंने आप लोगों को लास्ट क्वेश्चन में बताया था कि सेम टाइम पे कोई ट्रेन एक दूसरे स्थान से चलती है, इस क्वेश्चन में है कि दोनों दिल्ली से जयपुर कोई ट्रेन जा रही है, 7 बजे जा रही है और 5 बजे पहुंच रही है, और जयपुर से दिल्ली 8 बजे सुबह से चलती है और 4 बजे शाम को पहुंचती है, तो इन दोनों का डिफरेंट टाइम है। तो इस तरीके का क्वेश्चन है, ये SSCCGL 2015 मेंस में पूछा गया है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जब मैंने बताया था कि अगर सेम टाइम पे कोई भी ट्रेन एक दूसरे स्थान से अगर चलती हैं और आपस में क्रॉस करती हैं उनका मिलने का टाइम, तो उसको अलग तरीके से निकालते हैं। इसके अंदर जब दोनों का टाइम डिफरेंट हो तो देख लेते हैं किस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं। मैं मान लेता हूं दिल्ली से ट्रेन चलती है कितने, 7 बजे, और वो पहुंचती कितनी है, 5 PM पे, तो कितने बजे बाद में पहुंचेगी, 7 से 7 12, कितने, 10 घंटे बाद में पहुंचेगी। यहां पर 8 बजे चलती है और कितने बजे पहुंचती है, 4 बजे पहुंचती है, तो 8 से 4 कितने हो गए, 9 10 11, 3 4 कितने हो गए, 8 8 घंटे, कहां से, जयपुर से, कितने बजे चल रही है, 8 बजे, पहुंचे कितने बजे, 4 बजे। अब दोनों का क्या लूंगा, मैं एलसीएम लूंगा, जो मैं एलसीएम ले रहा हूं ये किसके बराबर आ रहा है, डिस्टेंस के बराबर आ रहा है, डिस्टेंस के बराबर। और अब मैं निकालूंगा 10 चौक 40 4 और 8 5 40 5, ये क्या आ रहा है, स्पीड आ रही है। अब ये 4 और 5 रेशियो में आ गया, अब मुझे सबसे पहले देखना कि जब टाइम डिफरेंट है ये कितने बजे चल रही है, 7 बजे चल रही है, ये कितने बजे चल रही है, 8 बजे चल रही है, और देखना क्या कितने बजे मिलती है, तो दोनों को टाइम बराबर करने के लिए ये क्या कर रही है, 10 घंटे में 4 की स्पीड से 4 चलती है, तो यहां पर अगर वो 1 घंटे की बात कर रहा हूं मैं, 1 घंटे पहले चल रही है, तो 7 से 8 बजे तक मान लेते हैं यहां तक पहुंच जाएगी, वो यहां तक पहुंचेगी इंटू 1 इक्वल टू 4, तो कितनी चलेगी, वो 4 यूनिट चलेगी, 4 यूनिट चलेगी। तो ये जो 4 यूनिट, अब 8 बजे के बाद में यहां से ये ट्रेन चल रही है, 8 बजे से ये यहां से चल रही है, तो ये 4 यूनिट चल चुकी है और टोटल डिस्टेंस कितनी है, 40 यूनिट है, तो हम 4 यूनिट को क्या कर देंगे, इसमें से घटा देंगे, बचा कितना, 36। तो अब डिस्टेंस मेरे पास में कितनी आ गई, बची कितनी है, 36 डिस्टेंस बची है, और यहां पर स्पीड कितना है, 9, और मुझे निकालना क्या है, टाइम निकालना है, तो टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो यहां पर टाइम निकालने के लिए 36/9 काटेंगे, 9 चौक 36, 4 आवर्स, 4 घंटे बाद में वो आपस में मिलेंगी, तो 4 घंटे बाद में आपस में मिलेंगे, तो वो कहां से मिलेंगे, 8 बजे के बाद में, 8 बजे के बाद में, तो 4 घंटे ऐड करते हैं तो कितने बजे मिलेंगे, मान लेते हैं यहां पर मिलेंगे कितने बजे, 12 PM पे, 12 बजे मिलेंगी, दोनों ट्रेन कितने बजे मिलेंगी, 12 बजे मिलेंगी।
तो जब आपको डिफरेंट, मैं फिर से आपको बता देता हूं कि जब डिफरेंट डिफरेंट टाइम दे रखा है तो उस टाइम के बीच का जो डिफरेंस है उतनी दूरी पहले हम कवर करवा देंगे, और वो टोटल डिस्टेंस में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, जो बचता है उसको स्पीड से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास टाइम आ जाएगा। इस तरीके से हम ये क्वेश्चन करते हैं, ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी में हर बार पूछा जाता है ऐसा क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। द स्पीड ऑफ टू ट्रेन आर इन द रेशियो ऑफ 7:9, दे आर मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑन पैरेलल ट्रैक। द फर्स्ट ट्रेन क्रॉस ए लेंथ ऑफ पोल इन 4 सेकेंड, वेयर एज द सेकेंड ट्रेन क्रॉस द पोल इन 6 सेकेंड। फाइंड द टाइम टेकन बाई ट्रेन टू क्रॉस ईच अदर कंप्लीटली। दो ट्रेन 7:9 के रेशियो से वो चलती हैं, उनकी स्पीड है, और पहली ट्रेन किसी पोल को 4 सेकंड में क्रॉस करती है, दूसरी ट्रेन 6 सेकंड में क्रॉस करती है, तो बताइए वो उनका जो पोल को क्रॉस करने का जो टाइम है वो किस टाइम पे वो एक दूसरी ट्रेन आपस में क्रॉस करेंगे। तो आप लोगों को सबसे पहले ये देखना है कि जब किसी भी पोल को जब वो क्रॉस कर रही हैं तो वो अपनी रिलेटिव स्पीड के बराबर चल रही हैं। तो मैं मान लेता हूं एक ट्रेन यहां से इधर जा रही है, दूसरी इधर से यहां आ रही है, और इनका रेशियो क्या है, स्पीड का रेशियो है इनका 7:9 का है, और टाइम क्या है कि पहली ट्रेन, मैं फर्स्ट इसको मान लेता हूं, तो पहली ट्रेन कितने पार करती है 4 सेकंड में, और ये कितने में करती है 6 सेकंड में, तो मैं टाइम मान लेता हूं 4 और 6। पहली ट्रेन 4 सेकंड में पार करती है, दूसरी ट्रेन 6 सेकंड में पार करती है, ये स्पीड है, ये क्या रिलेटिव स्पीड है, रिलेटिव स्पीड है, तो ये क्या होगा, हमेशा ऐड होती है, रिलेटिव स्पीड हमेशा क्या होता है, ऐड होता है। अब मुझे निकालना है डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस मैं इसको कैलकुलेट करूंगा तो कितना जाए, 7 चौका 28 रेशियो ये कितना हो जाएगा, 9 छक्के 54, 9 छक्के 54 दोनों की स्पीड, ये डिस्टेंस ऐड होगी कितनी हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस हो जाएगी 2:82, कितनी हो जाएगी 82, और ये रिलेटिव स्पीड है तो स्पीड कितनी होगी, ये भी ऐड होगी 9, 7, 16, डिस्टेंस कितनी हो गई 82। निकालना क्या मुझे, टाइम निकालना है, तो कितना हो जाएगा 82/16, मैं कट करूंगा तो ये कितना हो जाएगा 41/8। अब इसको मैं यहां पर कैलकुलेट कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, 8, 45, 5, और बचगा 1/8 × 60 × 60, हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे, तो 60 से इसके अंदर भाग पूरा नहीं जा सकता, तो मैं इसी को इस तरीके से लिख सकता हूँ 5/1/8 सेकंड, 5 से 1/8 सेकंड में वो क्या करेंगी, उस पोल को कवर कर लेंगी, उस पोल को क्रॉस कर देंगी। तो हमें कोई भी क्वेश्चन होता है तो उसको इसी तरीके से हमें कैलकुलेट करना है, इसी तरीके से सॉल्व करना होता है टाइम स्पीड के अंदर। तो चलिए दोस्तों हम अपना ये क्वेश्चन देख लेते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है टू ट्रेन स्टार्ट्स एट द सेम टाइम फ्रॉम हैदराबाद एंड दिल्ली एंड प्रोसीड टुवार्ड्स ईच अदर एट द स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर एंड 90 किलोमीटर पर आवर। व्हेन दे विल मीट, इट इज फाउंड दैट वन ट्रेन हैज ट्रेवल्ड 180 किलोमीटर मोर देन द अदर, देन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड हैदराबाद। दो ट्रेन सेम टाइम पर हैदराबाद और दिल्ली से चलती हैं, और दोनों एक दूसरे को क्रॉस करती हैं। अगर पहले ट्रेन की स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर है, दूसरी की 90 किलोमीटर पर आवर है, जो ट्रेन एक ट्रेन क्या करती है कि 180 किलोमीटर ज्यादा चलती है, तो बताइए वो किस टाइम से हैदराबाद और दिल्ली के बीच में
कितनी डिस्टेंस कवर करेंगी। तो सबसे पहले क्या करना है कि मान लेते हैं हमें ये दिल्ली से चल रही है, ये हैदराबाद से चल रही है। जो दिल्ली से चलने वाली है उसकी 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही हैदराबाद से चलने वाली 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। अब क्या करना है इसके अंदर, सबसे ज्यादा ये देखना है कि एक ट्रेन क्या है कि 180 किलोमीटर ज्यादा चल रही है। तो हमें ये देखना है जो 80 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से जो ट्रेन चल रही है वो धीरे चल रही है, 90 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से जो ट्रेन चल रही है वो क्या फास्ट चल रही है। तो जो तेज चलने वाली ट्रेन है वो ही दूरी ज्यादा तय करेगी। तो हैदराबाद से चलने वाली ट्रेन क्या कर रही है, 180 किलोमीटर दूरी ज्यादा तय कर रही है, 180 किलोमीटर ज्यादा दूरी तय कर रही है। अब यहाँ पर देख लेंगे दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, 10 किलोमीटर का डिफरेंस है। तो इसको हम 10 से डिवाइड कर देंगे, कितना जाएगा 18 आवर्स। तो ये 18 घंटे जल्दी पहुंच रही है, किससे, दिल्ली वाली ट्रेन से। और आप दोनों की रिलेटिव स्पीड क्या है, 80 प्लस 90, तो दिल्ली प्लस हैदराबाद दोनों की रिलेटिव स्पीड हो गया 80 प्लस 90। तो कितना हो जाएगा ये 0 17 170 किलोमीटर हो गया, 170 किलोमीटर हो गया। और इसने पूछा क्या है, टोटल डिस्टेंस पूछा है। तो टोटल डिस्टेंस मेरे पास S into T, ये स्पीड हो गई और ये क्या हो गया, टाइम हो गया। तो मेरे पास है S into T करूंगा तो मेरे पास डिस्टेंस आएगा। तो डिस्टेंस इक्वल टू 170 into 18, यहां पर करूंगा 0 6 3 0 3 0 6 0, 3060 किलोमीटर दिल्ली से हैदराबाद के बीच की क्या है, डिस्टेंस है। तो इसको हम इसी तरीके से कैलकुलेट करेंगे कि जो सबसे ज्यादा तेज चल रही है वो ज्यादा दूरी कवर करती है, दोनों के बीच का डिस्टेंस से डिवाइड कर देंगे, 18 आवर्स टाइम आ जाएगा। दोनों की रिलेटिव स्पीड है ऐड हो जाएगी, अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है ऐड हो जाएगी। और डिस्टेंस को निकालना है तो स्पीड इंटू टाइम हो जाएगा, 170 इंटू 80, 3060, 3060 किलोमीटर वो ज्यादा चले, डिस्टेंस कवर करेंगी दोनों। तो चलिए दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ए ट्रेन 7 AM आफ्टर 5 आवर्स ट्रेन मीट एन एक्सीडेंट देन प्रोसीड 4/5 ऑफ इट्स नॉर्मल स्पीड एंड लेट बाय 40 मिनट टू रीच इट्स डेस्टिनेशन देन फाइंड द एक्चुअल टाइम टू रीच द ट्रेन। एक ट्रेन 7 बजे अपने स्थान से चलती है और वो 5 घंटे बाद में एक्सीडेंट हो जाती है। एक्सीडेंट होने के बाद में वो 4/5 स्पीड से, नॉर्मल स्पीड से वो जा रही है तो 5 घंटे वो लेट हो जाती है। तो बताइए उसकी जो एक्चुअल टाइम है वो कितने बजे वो वहां पर पहुंचेगी अपनी डेस्टिनेशन पे। मैं मान लेता हूँ एक ट्रेन है ये, यहां से इस दिशा में जा रही है, यहां से 7 AM पे निकलती है और 5 घंटे के बाद में, 5 आवर्स के बाद में एक्सीडेंट हो जाती है। तो यहां पर 5 घंटे के बाद में यानी कि 12 बजे वो क्या हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाती है, 12 बजे वो एक्सीडेंट हो जाती है। उससे पहले उसकी नॉर्मल स्पीड क्या थी, उससे पहले उसकी नॉर्मल स्पीड थी 4/5, और 5 घंटे बाद में जब वो एक्सीडेंट हो जाती है, अब उसका आगे पहुंचने, यहां पहुंचने के लिए उसका टाइम है वो क्या हो जाता है, लेट होती है कितनी, 40 मिनट। तो अब उसका टाइम क्या हो जाएगा, 5/4, यानी कि पहले 4 यूनिट दूरी तय करने में वो कितना, 5 मिनट का टाइम ले रही थी, 5 घंटे का टाइम ले रही थी, अब वो 5 यूनिट की दूरी तय करने में कितना, 4 यूनिट की दूरी करने तय करने में कितना, 5 मिनट का टाइम ले रही है, यानी कि पहले से अब क्या हो गया, बढ़ गया। तो यहां पर कितना बढ़ गया, 1 यूनिट का फर्क पड़ गया।
वन यूनिट का फर्क पड़ गया और क्वेश्चन के अंदर कितनी लेट पहुंच रही है, 40 मिनट, तो वन यूनिट इक्वल टू 40 मिनट। तो यहां पर क्या करते हैं, वो एक यूनिट कितनी लेट हो रही है, 40 40 मिनट, 40 मिनट लेट हो रही है। और यहां पर कितनी है, पहले कितनी चल रही थी, 40, चार चार यूनिट चल चुकी थी, इंटू 4 इक्वल टू 160। 160 ये क्या आ गया, मिनट्स आ गई, 160 क्या आ गया, मिनट आ गया। तो अब इसको यहां पर भी मैं कर सकता हूं, 160 160 को हम घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो कितना जाएगा, 2 घंटे 40 मिनट, यानी कि अब वो यहां पर डेस्टिनेशन पर कितने बजे पहुंचेगी, 2 घंटे 40 मिनट, यानी 2:40 PM पर वो यहां पहुंचेगी। कितने बजे पहुंचेगी, 2:40 PM पर यहां पर क्या पहुंचेगी ट्रेन, 2:40 PM पे यहाँ ट्रेन पहुंचेगी, क्योंकि पहले नॉर्मल स्पीड से 4/5 से, और एक्सीडेंट के बाद में उसकी स्पीड घट जाती है, 40 मिनट लेट पहुंचते हैं तो 5/4 यानी एक यूनिट ले देरी चलती है, एक यूनिट की वैल्यू 40 मिनट हो गया, तो 4 मिनट की वैल्यू 160, 2 घंटे 40 मिनट वो लेट चलती है। तो इस तरीके से हम टाइम स्पीड डिस्टेंस के अंदर क्वेश्चन करते हैं। मोस्ट प्रोबली टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में एसएससी सीजीएल के अंदर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो होता है सेम टाइम पे मूव कर रही है अपोजिट डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में, या फिर डिफरेंट टाइम पे वो मूव कर रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों मुझे उम्मीद है आप लोगों ने मेरे पीछे वाले लेक्चर कवर कर लिए होंगे दोनों भी, और ये भी अच्छी तरीके से। अगर आपको अब भी कोई डाउट है टाइम स्पीड डिस्टेंस में तो आप मुझे लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जब जब मैं आपको लेक्चर अपलोड करता हूँ आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचेगा। बेल आइकन बटन को आप प्रेस कर लीजिए, क्योंकि जैसे ही मैं लेक्चर अपलोड करूंगा आपके पास एक नया नोटिफिकेशन पहुंचेगा, और आप मेरे साथ बने रहिए। तो आज के लिए हमारी सेवा समाप्त, कल मिलते हैं हम नेक्स्ट टाइम।